हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम इस तरह की तोरण बनाना देखेंगे। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगी अगर आपके पास टाइम कम है दिवाली के लिए। तो सबसे पहले ये फ्यूजिंग हमने लिया है, फ्यूजिंग का पीस है, एक साइड इसके ग्लू होता है। 1.5 इंचेस जो है इसकी चौड़ाई मैंने ली है, 37 इंचेस जो है इसकी लंबाई। इस तरह की दो स्ट्रिप मैंने ली है। ये वेलवेट मैरून कलर का वेलवेट है, ये इसका फ्रंट साइड है वेलवेट का और ये बैक साइड है। तो वेलवेट को हमें बैक साइड से रखना है और जिस साइड ग्लू है उस साइड को हमें इसके ऊपर रखकर और आयरन करके चिपकाना है। दोनों साइड 1/2 इंचेस हमें गेप रखना है, सो दैट हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसे मैंने कटिंग कर लिया है, हमारे तोरण के बेस के लिए है। और इसे जो है हमें इस तरह से फोल्ड करके और दोनों साइड से चिपकाना है। तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं या फिर ग्लू की हेल्प से, ग्लू गन या फिर फैब्रिक ग्लू कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसकी हेल्प से दोनों किनारों को हमें इस तरह से पीछे की साइड फोल्ड करना है। ये इसका बैक साइड रहेगा। इस तरह से जो है हमें इसे चिपकाना है। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, दो स्ट्रिप हमें रखनी है, तो बैक साइड को कवर करने के लिए इसके ऊपर हम इसे चिपका देंगे ताकि फिनिशिंग आए, अच्छा लगता है। मैंने इसे भी आयरन करके चिपका लिया है बैक साइड में, जो फ्यूजिंग था एक और स्ट्रिप। उसके बाद ये हुक है बंदरवाल को हैंग करने के लिए। अगर आपके पास इस तरह के हुक ना हो, इसे इस तरह से ग्लू लगाकर हमें चिपकाना है। अगर इस तरह के हुक ना हो तो आप फैब्रिक से भी लूप बना सकते हैं और हैंग करने के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू लगाकर आप देख सकते हैं इसमें होल्स है दोनों साइड, तो आप इसे स्टिच भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ग्लू गन से भी आप इसे चिपका सकते हैं। जो है हमें इस तरह के हुक लगाने हैं, हुक या फिर कपड़े का जो भी लूप आप बनाना चाहे बंदरवाल को हैंग करने के लिए। बाद ये एक लेस है हमारे पास, सर्कल सर्कल जो इसमें बने हुए हैं, फ्लावर्स की लेस या केरी की लेस कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर ऐसा ना मिले तो सिंपल गोल पेचेस लेकर आप एक एक पेच खरीद कर उन्हें पास पास में रख सकते हैं, इसके ऊपर चिपका सकते हैं। और इस तरह की लेस भी आई थिंक आपको मिल जाएगी। इसे जो है हाफ में, इसका जो हाफ पोर्शन है वो हमें बेस के ऊपर रखना है और हाफ पोर्शन जो है बेस के नीचे रखना है, लटकते हुए रखना है। और इसे जो है हम ग्लू की हेल्प से, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ग्लू गन आप यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हैंड स्टिच कर सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से जो है हमें बेस के ऊपर इसे चिपकाना है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टिच ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं लंबे टाइम तक ये चले, धोने पे कुछ भी ना निकले, जो पर्ल्स इसके जो हैं स्टोन्स वगैरह है या जो भी है लेस ना निकले, तो आप स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद बैक साइड इसका है, यहाँ पर पर्ल्स लटकाने के लिए हमें ये जो सेंटर है वहाँ से पहले और तीसरे नंबर जो सर्कल है वहाँ से हमें इस तरह से लटकन लगानी है। तो पहले हम इस पे मार्क करेंगे, उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर जो सर्कल है वहाँ से हमें एक और लटकन लगानी है, पर्ल्स लगाने हैं। तो किस तरह से लगाएंगे, ये मैरून कलर के पर्ल्स मैंने लिए हैं इसके मैचिंग। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो पहले और थर्ड नंबर जो सर्कल है उन दोनों को हम साथ में लेते हुए एक लटकन लगाएंगे। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर। तो इस तरह से सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग नोट लगानी है यहाँ पर। आप इसे ग्लू से सिक्योर कर सकते हैं ताकि नोट खुले ना, और ये करना ज़रूरी है, कर सकते हैं नहीं, ये करना ज़रूरी है, इससे नोट स्ट्रॉन्ग रहेगी। कई बार निकल आते हैं मोती, निकल आते हैं। और यहाँ पर जो आप मोती काउंट करके डालिए, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 50 पर्ल्स लिए हैं, 50 पर्ल्स मैंने लिए हैं। इन्हें जो है इस तरह से हमें, हम अपने पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं कि किस तरह से अटैच करना है, बहुत सिंपल है। सिंपल सी नोट लगानी है। और जो दूसरी लाइन है उसके लिए मैं यहाँ पर 38 पर्ल्स ले रही हूँ, जिससे कि ये छोटा बड़ा आए। और इसे भी जो है हमें उसी तरह से अटैच करना है, बहुत सिंपल है। आपको इसकी जितनी लेंथ रखनी है, जितने आपको लटकते हुए रखने हैं पर्ल्स, उतने आप मोती ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 50 और 38 लिए हैं। अच्छी तरह से यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे। और उसके बाद जो
दूसरा और चौथा सर्कल है, वहां से हम गोल्डन पर्ल्स लटकाएंगे। जो लेस का कलर कॉम्बिनेशन है वही मैं यूज कर रही हूँ, और यहाँ भी आप उसी तरह से पर्ल्स डालिए, गिन के डालिए कम और ज्यादा। और इसी तरह से जो है हमें पूरी जो ये बेस है, पूरा जो हमारा बंदरवाल है उस पर हमें इस तरह से मोती लटकाने हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और 5 नंबर सर्कल, 5 और 7 नंबर सर्कल, इस तरह से करके हमें मोती लटकाने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सब जगह ये पर्ल्स लटका लिए हैं, लटकन जो इसके बना ली है, बंदरवाल का लुक इसके बिना आता ही नहीं है। और उसके बाद ये जो जहाँ जहाँ हमने नोट्स लगाए हैं वहाँ पर हम ग्लू लगा रहे हैं ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, निकले ना खुले ना। तो ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये हमारे बंदरवाल का फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।